पतली रह जा, क्योंकि तन्नू को वहाँ पे कोई पूजा करनी, उनके हस्बैंड के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ टनाटन होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के अंदर, जिसका नाम है विष्णु शर्मा ब्लॉग्स। तो गाइस, मैं हो चुका हूँ नहा के रेडी और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तन्नू को लेने गोवर्धन के लिए और मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। अच्छा, क्योंकि टाइम हो रहा है 2:15, तो अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, कितने बजे तक नहीं पहुँचते हैं। और क्योंकि तन्नू वगैरह किसी को भी नहीं पता कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, सरप्राइज दे रहा हूँ उनको। कल है मकर संक्रांति, तो मेरे को शिवा को भी लेके वापस आना है। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं और कब तक घर वापस आते हैं। तो गाइस, टाइम हो रहा है 1:48 और इतने 1:48 में मैं जस्ट निकला हूँ, अभी शालीमार के अंदर ही हूँ मैं। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं, कितने बजे तक नहीं पहुँचते हैं, तो रास्ते को एंजॉय कीजिए। तो गाइस, मैंने लिया ये स्टॉप पेट्रोल पम्प पे और गाड़ी देख सकते हो कितनी साफ लग रही है। गाड़ी वॉश करवाई थी मैं, इसको हमेशा सोचता हूँ कि इसी तरीके से साफ सुथरी रहे, बट जब धुलवाता हूँ जब भी तक साफ सुथरी रहती है, उसके बाद गंदी हो जाती है। अबे साले, तो आज संडे तो इतना ज़्यादा जाम मिला नहीं है, तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी देखते हैं कितनी जल्दी पहुँचते हैं। तो गाइज, मैं डलवा के निकल चुका हूँ पेट्रोल और टंकी करा दी फुल। मैं मोस्टली, आपने कभी भी नोटिस किया होगा ब्लॉक के अंदर, जब भी मैं तन्नू के घर जाता हूँ तो हमेशा टंकी फुल करा के जाता हूँ, क्योंकि एक तो यूपी में पेट्रोल थोड़ा महंगा है और प्लस उसके बाद हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम सीधा स्टार्ट करो निकल जाते हैं, फिर पेट्रोल की टेंशन नहीं होती गाड़ी पेट्रोल कितना कितना नहीं है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है। अभी हो रहे हैं 2:40 और जाम लग रहा भी हल्का हल्का, देखते हैं कितने तक पहुंचते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो कोहरा, जैसे ही मैंने ये फरीदाबाद का टोल पार करा उसके बाद पार होते साथ ही ये सारा इतना सारा कोहरा आया, मतलब कि दिल्ली के अंदर तो धूप निकली हुई है और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी 3:11 ही हो रहे हैं। जैसे ही मैंने फरीदाबाद का टोल पार किया उसके बाद ये कोहरा स्टार्ट हो गया, मतलब यूपी के अंदर कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है, दिल्ली में कम है। तो देखते हैं कौन से कितने कोहरे में पहुँचते हैं हम। और यहाँ पे लगा रखी है ये, और मैंने पहन रखा है अभी फिलहाल में ये सब लोअर और टी शर्ट। तो जल्दी से नहाते हैं और फिर मिलते हैं नहा के। तो गाइज, ये निकाल दिए तन्नू ने कपड़े और मैं नहा के पहनूंगा ये ब्लैक हुडी, ये नई है बिल्कुल, ये पैंट भी नहीं हुआ है और ये मफलर। तो गाइज, फाइनली हो चुका हूँ मैं नहा के रेडी, और जो मैंने पहना है मफलर हुडी और ये, मैं आपको एक बैक शीशे से, मतलब बैक वाले कैमरे से दिखाता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा। और तन्नू अगर उसकी मम्मी वगैरह सब आ चुकी हैं, अब हम जा रहे हैं चकलेश्वर महादेव, क्योंकि तन्नू को वहाँ पे कोई पूजा करनी है, तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। अभी मजा आएगा ना। और मेरी लुक कुछ ऐसी लग रही है, और आपको दिखाता हूँ अंदर सारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बेड को साफ कर रही है, कितना टाइम लगेगा अभी, बस चल रही। और यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे इसको कोई दीनी माननी है, बुरी बात की इतनी बुरी तरीके से फेंक के रखते लड़के, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये भी नहा के रेडी हो चुका है, उसने पहना है ये, और ये हमेशा की तरह घर में काम करती हुई, और ये सारा फैला दिया इसने, वो रखा मेरा जिम बैग, इसमें कपड़े पड़े रखने हैं क्योंकि हम निकलेंगे कल दिल्ली के लिए, और टाइम हो रहा 12:30। गिर जाएगा इस पर तो, गिर जाएगा इसे हवा में रखा भी। यहाँ पे लगा रखी अंगीठी हाथ सेकने के लिए, यहाँ पे अम्मी सामान निकाल रही है, और यहाँ पे ये कर रही है कुछ, ये कर रही है ये पूजा की तैयारी, दीपक बनाया है, दीपक बनाया है। तो वो दीपक बनाना भी आता है, तो वो तो सारी जादुई चीजें आती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो निकल, हाथ सेकते हैं थोड़ा सा बैठ के और निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। तो गाइस, हम निकल रहे हैं पूजा करने के लिए, और ये देख सकते हो मेरे नाक पे दाना हो गया कुछ भी कुछ भी। और वो खड़ी मेरी गाड़ी, और हम जा रहे हैं बाइक पे, क्योंकि इस टाइम ना भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे संक्रांति की वजह से, तो हम जा रहे हैं बाइक से, गाड़ी से जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे, तो निकल रहे हैं यहाँ से जल्दी से। क्या हुआ, बाइक साफ करवा रहा हो, बाइक तो साफ है, दे जा भी। क्या करेगा एक मिनट में इसके अंदर, उड़ेगी क्या ये।
मैं कह ले ना, बोलती जा, एक ही साथ बोलती जाकर। तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी से मंदिर के लिए। तो गाइस हम निकल रहे हैं बाइक पे, पैसे कहाँ मेरे पे? मम्मी से ले पैसे, पैसे दो, पैसे दो पूजा के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो हम जा रहे हैं बाइक पे, तो मिलते जल्दी से। डरा क्यों रहा उड़ा उड़े गाइस? ये ले रही है यहाँ से दूध और बाजार में भीड़ देखो। और हमें बाइक पे, इसलिए मैं बाइक लेके आया था, मेरे को पता था कि अगर जाम में फंस गए ना हम तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो बाजार वही अपनी चरम सीमा पे है, और वो खड़े पुलिस वाले जो गाड़ियों को रोकेंगे अंदर बाहर जाने से। तो यहाँ से दूध लेते जल्दी से, खाली दूध लेना है ना, खाली दूध, यहाँ से दूध लेते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ पे पापा का मंदिर है, और यहाँ पे चकलेश्वर महादेव की पूजा होगी जो हम करेंगे अभी। और यहाँ पे तन्नू बनवा रही है, ये है यहाँ पे मानसी गंगा। ये गिरिराज जी का मंदिर। कितनी पॉजिटिव फील आती है यहाँ पे, अलग ही फील है। यहाँ पे भी गिरिराज जी की मूर्ति है। ये गजक को भाई रख दो, हाँ ले लेंगे, पर तुम रख दो बोला तुम बस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली घर, और अभी हमें जाना है गोकुल, क्योंकि इसकी रितु अब हुआ है वहाँ पे, उनसे मिलने जाना है। और आपने पहले व्लॉग में देखा होगा कि उनके हस्बैंड के साथ कोई ट्रेजिडी हो गई थी, तो उससे तन्नु मिलने के लिए नहीं जा पाई थी उनके पास, तो अब वहीं जाएंगे हम सारे। अभी इसकी पूजा वगैरह पूरी कम्प्लीट नहीं हुई है, अभी ये कर रही है, तो उसके बाद निकलेंगे सीधा गोकुल के लिए। अब देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो गाइस ये कर रही है पूजा। ये क्या चीज़ है, अब ये क्या चीज़ निकाला तूने? ये मनसा पूरी, मतलब सामान मनसा नहीं है। किसको देगी? मैं मंस नहीं, किसी कोई अथाई नहीं है, बहुत पता नहीं क्या क्या मंस दे, और मैं थोड़ा सा जितना मेरे बना वो मनसा मैं तो छोड़ा सा। तो ये क्या क्या है, कपड़े हैं सारे? ये कपड़े हैं, मैं सिंगार का सामान कपड़े। किसके, मम्मी पापा के? हाँ। तो इसने ये मनसा है, और जल्दी लेट मत करे, टाइम देख ले उसके, चलते हैं जल्दी। जय हो। ये क्या चीज है? ये संक्रांत पे करते हैं, पति का मुखा धोके पीते हैं। धोके पिएगी? ये दिखा ना सही नहीं रहेगा ना। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं हम घर से, और गाड़ी के अंदर है मैं, तन्नू, चाची और मम्मी और शिवा। और इतना लेट निकले हम, आज का हमेशा का वही है कि हमेशा कहीं भी जाएगी लेट निकल के जाएगी, और लेट हो गया। अभी तूने लेट नहीं करा? मैंने लेट किया है। किसे लेट किया है? चाची ने करा। चाची ने गली में खड़ी होगी चाची, फिर इन दोनों कैसे लेट हो गया? चाची निकल के आएगी, चाची जाकर चुप करेगी, निकल जाएंगे। तो हम निकल चुके हैं, देखते हैं कितने तक पहुंचते हैं, कितने तक नहीं पहुंचते। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमें जहाँ पे आना था, ऋतु जी के घर पे, वो उनकी बेटी है छोटी सी, यहाँ पे सारी मम्मी घर बैठी हुई है, और ऋतु गई है अभी अंदर, तो मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे।
अच्छा स्कूल जाती हो? आज स्कूल नहीं गई हो? क्यों? आज छुट्टी है, कल जाओगी? क्यों? कल भी छुट्टी है। कल भी छुट्टी है, परसों जाओगी? तो गाइस हम आए हैं इनकी दूसरी चाची हैं, मेरे पापा की मामी। पापा की मामी, 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 मामी। बीच वाली मामी है, चाची है ये दोनों। ये चाची हैं और ये इन्होंने इन्होंने दिए नाश्ता। नाश्ता करके फिर हम निकलेंगे यहाँ से जल्दी से। तो गाइस ये है मेरी सबसे छोटी साली। कितनी उम्र है इसकी? कितनी उम्र है इसकी? 5 साल की सबसे छोटी साली है। और सबसे छोटा साला दिखाता हूँ, मतलब हमारे टाइम का सबसे छोटा साला है ये, खाली 8 महीने का साला है। ऐसे क्या था गाली वक्त मुझे माफ क्या करो, कुछ नहीं कर सकते इसको, 8 महीने का साला है ना? ये भी छोटी साली है, सब छोटे साले सालियाँ हैं। एक ये भी साली है, इतनी छोटी छोटी सालियाँ हैं मेरी। तो गाइस ये आ चुका है खाना, आलू के पराठे, चटनी, रबड़ी और रायता और स्पंज। और टाइम हो रहा है 7:30 और इतनी जल्दी लाइफ में पहली बार खाना खा रहे हैं। शाबाश, कभी नहीं खाते, चाय पीते हो? तो अभी तो मैंने बोला कि इतनी जल्दी जिंदगी में पहली बार खाना खा रहा हूँ। यहाँ से जल्दी से खाना खाता हूँ, निकलते हैं अपने घर के लिए क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। तो ये लाइए मल्ले खाना, पराठा, पराठा एक ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा मैं। हाँ मतलब यही खाऊंगा, इसके बाद नहीं खाऊंगा। अगर इसके बाद बनाओ तो थैली में डाल देना, है ना? तो मिलते हैं, खा के जल्दी। फोड़ी से फोड़, फोड़ी से। और ये हमने कर दिया अपनी अनबॉक्सिंग कि हमें किसने क्या क्या दिया है। और यहाँ पे ये बन चुकी है बाबा का रॉक। मैं पागल हूँ। 10:10 हो चुके हैं, अब तो खाना पीना किसी को चाहिए नहीं है ना, डायरेक्ट सोंगे अब तो। आपको खाना है? मैं तो बोला पे का पानी पीने का मन कर रहा था, घर में आके याद आएगी ना वो पीने का मन कर रहा कुछ। इस टाइम तो वैसे नहीं मिलेगा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। आप देख सकते हो ठंड कितनी लग रही है मेरे को, और मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा था, खाली यही पहन रखी है। तो अभी हम आ गए और टाइम हो रहा है 9:47। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय भोले की, जय राम जी की।